देश भर में रामलीलाओं का मंचन चल रहा है। सीता स्वयंवर हो चुका है, राम बारात निकाली जा चुकी है और अब वनवास के दृश्य की तैयारियां चल रही हैं। दिल्ली के पालम इलाके में एक भव्य राम बारात निकाली गई जिसमें हजारों लोग बाराती बनकर पहुंचे। कैलाशपुरी चौक से निकाली गई ये बारात राम चौक होती हुई कई क्षेत्रों में पहुंची। तस्वीरों में आप लोगों का उत्साह साफ तौर पर देख सकते हैं। साधनगर की पार्षद इंदर कौर भगवान राम की भक्ति में डूबी नजर आई, तो वहीं इंडिया टाइम 24 न्यूज के डायरेक्टर संजीव सोलंकी भी घुड़सवारी करते हुए नजर आए। धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित इस शोभा यात्रा में तमाम क्षेत्रवासियों संग समाजसेवी, क्षेत्रीय नेता और आम जनता शामिल रही। घोड़े, बैंड बाजे, शहनाई के बीच रथ पर विराजमान राम लक्ष्मण की जोड़ी ने सबका दिल जीत लिया। धार्मिक रामलीला कमेटी बीते कई वर्षों से कैलाशपुरी चौक के ग्राउंड में रामलीला का मंचन करती हुई नजर आ रही है और इंडिया टाइम 24 न्यूज आपका अपना चैनल इसे लगातार कवरेज दे रहा है। आप अगर घर बैठकर रामलीला देखना चाहते हैं तो आप इंडिया टाइम 24 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।